खबर सिंगरौली से है, जहां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गनियारी में हुई महिला की आगजनी से हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी जीजा कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी कृष्ण कुमार यादव अतिथि शिक्षक था, साथ ही सिंगरौली के एक होटल में वेटर का काम करता था, जो कि अपनी पत्नी और साली के साथ किराए के मकान में रहता था। जब उसकी बीवी मायके गई तो उसने अपने साली को अकेले पाकर उसका फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती की, जिससे दोनों के बीच में विवाद हुआ। इस घटना के बाद से ही कृष्ण कुमार को यह लगा कि उसकी साली उसका भांडा फोड़ देगी, जिससे रास्ते से हटाने के लिए उसने पूरा प्लान बनाया। घटना दिनांक को आरोपी चुपके से कमरे में गया और धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर साली प्रीति की हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उस पर केरोसिन डालकर गैस सिलेंडर खोलकर आग लगा दी और उसके बाद वो फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद से ही वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में नगर पुलिस अधीक्षक और कोतवाली निरीक्षक अरुण पांडे की टीम ने घटना तथ्यों की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया है। प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक बहुत उत्कृष्ट जो है नमूना है कि ये लोगों ने पूरी तरह से ब्लाइंड केस, इसमें घर वाले भी कह रहे थे कि साहब ये नहीं हो सकता। 2022 को रात करीब 2:30 बजे अपनी 100 डायल के माध्यम से सूचना मिली कि गनियारी में एक हरिशंकर शाह है, उनके मकान में एक यादव हैं कृष्ण कुमार यादव, किराए में रहते हैं, उस कमरे में आग लग गई है जिसके कारण एक अंदर लड़की कोई जल करके ख़त्म हो गई है। इस सूचना पर मैं और TI साहब और पूरा स्टाफ बैठन का वहाँ पहुँची, घटना को देखा गया। प्रथम दृष्टया देखने में वो घटना लग रही थी कि या तो शॉर्ट सर्किट से हुई है या मिट्टी का तेल वगैरह कुछ इन्हीं कारणों से हुई है और आगजनी जैसी घटना ही दिख रही थी। सवेरा होने के पश्चात उसमें सब परिजनों को सूचना दी गई, बुलाया गया और जब पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें निकल करके ये आया कि इसकी पहले गर्दन काटी गई है, गर्दन काट के हत्या की गई है लड़की, उस लड़की का नाम प्रीति यादव था और ये कृष्ण कुमार यादव की साली, बड़ी साली, गर्दन काट कर हत्या की गई। फिर साक्ष छिपाने के हिसाब से इसके शव को जलाया गया। वहाँ विवेचना के दौरान ही जो परिजन आए थे, रिश्तेदार आए थे, उसमें जो कृष्ण कुमार था लड़की का जीजा, उसके हाव भाव देख करके, उसके बातचीत करने का तरीका, मार्कशीट मेरी सब जल गई, ये हो गया, सभी लोग परेशान थे कि लड़की जल के ख़त्म हो गई, उसको मार्कशीट की चिंता ज़्यादा लग रही थी, उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि ये वो संदेह के घेरे में दिखा। उससे पूछताछ की गई, उसने जो बयान दिया उस बयान की पूरी तस्दीक की गई, वो जहाँ जहाँ उसके द्वारा उपस्थिति बताई गई वहाँ की सब तस्दीक की गई, तो उसका पूरा बयान जो है गलत साबित हुआ। मार्कशीट जलने की जो बात कह रहा था वो मार्कशीट भी उसकी उसके घर में रखी हुई मिली बैग में, जिससे अब संदेह पुख्ता हुआ और इस दोबारा अच्छे तरीके से पूछताछ की गई और जानकारी ली गई तो पता लगा कि ये शाम को घटना के एक दिन पहले सुबह यहाँ से गया था और जा करके अपने गांव में पोखरा में अपना दस्तावेज मार्कशीट वगैरह रखा, फिर स्कूल गया और वहाँ अति शिक्षक है, 4 बजे स्कूल से लौट के आया, उसके बाद उसको यहाँ से फ़ोन गया जहाँ वो वेटर का काम करता था, ये होटल पैलेस हेरिटेज जो है राजा साहब का, वहाँ ये वेटर का काम करता था, यहाँ से सूचना भेजी गई इसको व्हाट्सएप के द्वारा कि आप ड्यूटी में आए, स्टाफ की कमी है। ये वहाँ से अपनी ड्यूटी में आया, पहले आना नहीं चाहता था, डायरेक्ट ही आना चाहता था अपना वो जो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्यवाही किया, तो ये